जिन 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला गया उनमें से एक नाम गब्बर सिंह नेगी का भी है। गब्बर सिंह नेगी वैसे तो खुद भी एक मजदूर हैं, लेकिन इस दौरान वो हीरो बनके उभरे क्योंकि सिलक्यारा टनल के अंदर जो फंसे हुए लोग थे उनका हौसला बढ़ाने का काम उन्होंने लगातार किया। वे लगातार उनके साथ उनका जोश बढ़ाने में जुटे रहे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनकी चर्चा खूब हो रही है। आज उनका पूरा परिवार गर्व कर रहा है उनके काम पर। पीएम मोदी ने भी गब्बर सिंह नेगी से बातचीत में उनकी जमकर तारीफ की है। गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनका उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बधाई हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद। बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदर अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी, पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी। और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है, तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ बने हुए भारतीय, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर, वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं, एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था।
ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब सकुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदर अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी, पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी। और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट रहता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही, और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ बने हुए बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। मैं चाहूंगा साहब मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि भाई इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से है, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर, आपका, आपको क्या कहना है बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर,
पुष्कर सिंह धामिंग सर जो भी थे सर बराबर हालचाल लेते रहते थे सर, हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको पूरे देश को खुशी है, अकेले पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसी घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, 48 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यह काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। जी सर। तो सुना आपने किस तरह से जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनका हौसला लगातार बरकरार था, और इस हौसले को बरकरार रखने में गब्बर सिंह नेगी का बहुत बड़ा रोल था, जिन्होंने एक हीरो की तरह अपने साथियों को संभाला, उनको लगातार प्रेरित करते रहे, और उन्हीं से बात की हमारी सहयोगी अंजलि सिंह ने। जी न्यूज पर इस समय हम आपको सीधे बात करवा रहे हैं गब्बर सिंह नेगी से, जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम चेहरा रहे हैं। उन 41 लोगों के बीच में जो फंसे हुए थे बीते 17 दिन से उस सुरंग के अंदर, तो गब्बर सिंह जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और क्या कहना चाहेंगे आप? कैमरा आप सीधा ही रखिए सर, कैमरा सीधा रखिए। और 17 दिनों में क्या हुआ कि बीच में तो हम लोग को पूरा कॉन्क्रीट खत्म हो गया, आपको मालूम ही है अंदर में एक पाइपलाइन हुआ करती थी जी, बाहर कोई कॉन्क्रीट नहीं होगा, कोई शैंपा नहीं होगा, तो हम लोगों ने उसमें थोड़ा पानी छोड़ा और हम लोग रुक रुक के पानी छोड़ते रहे ताकि उनको सिग्नल मिलता रहे जी, हम लोग अंदर में जिंदा है जी। फिर उनको मालूम हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ा और धीरे धीरे खाने पीने की सामग्री जैसे खीर बोलते हैं मंदिर में जो प्रसाद के रूप में चलाया जाता है हमारे यहाँ, उसको खा के हम लोगों ने 10 दिन तक जी सब कुछ बेचते रहे और हम लोग खाते रहे, हमारे सामने सबका सहयोग रहा, कंपनी का सहयोग रहा, यहाँ तक कि भाई अभी भी हमारे साथ बने हुए लगातार सबसे बने हुए, उन्होंने एक ही बात की थी भाई हम जाएंगे घर तो आपको लेकर ही साथ में लेकर जाएंगे, नहीं तो हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। और बाकी भाई लोग भी मेरे आए थे, पूरा परिवार मेरा आया था, सब लोगों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। और जी देखिए, आप आपके परिवार से हमने बात की थी, आपके बेटे आकाश आए थे, आपके भाई जो आपके साथ बैठे हैं उनसे भी हमने बात की थी, लेकिन ये बताइए कि आपकी बहादुरी के चर्चे बाहर बहुत हो रहे हैं कि आपने कहा कि भाई सबको निकाल के आखिरी मैं ही निकलने वाला हूँ। और आप लोगों ने मेरे को जो हिम्मत दी ये सब उसी का नतीजा है।